Okay, let's start the reading. This is page number 122. When I wrote that last winter, I was scared and thought it may be I had never get out of my tree. I had been scared for 2 days. तो जब पिछली सर्दियों में जैसे कि मैंने लिखा कि मैं बहुत खौफजदा था और इट में भी मैंने वहाँ से निकला भी नहीं अपने जो ट्री हाउस से. आई हैड बिन स्केयर्ड फॉर 2 डेज, 2 दिन तक मैं बड़ा खौफजदा रहा. एवर सिंस द फर्स्ट ब्लिजर्ड हिट द कैट्सकिल माउंटेन. तो स्टूडेंट्स, ये कैट्सकिल माउंटेन रेंज जो है ये वो पहाड़ों का सिलसिला है इन द न्यूयॉर्क, जहाँ पर एक ब्लिजर्ड का मतलब है स्वियर स्नो स्टॉर्म जो होता है, बहुत ही शिद्दत का जो तूफान होता है स्नो का. When I came up to the sunlight, मैं sunlight में जब आया सूरज की रोशनी में. When I did simply by poking my head into the soft snow and standing up, I laughed at my fear. तो जब मैं आया वहाँ से बाहर तो मैंने अपने स्नो से के अंदर से अपना जो है वो मुंह बाहर निकाला और मैं वहाँ पर खड़ा था तो मैं अपने फियर पर मुझे हंसी आई. एवरीथिंग वॉज वाइट क्लीन शाइनिंग एंड ब्यूटिफुल. हर चीज़ खूबसूरत थी, क्लीन थी, साफ थी और चमक रही थी. द स्काई वॉज ब्लू ब्लू ब्लू. तो स्काई भी ब्लू था. द हेमलॉक ग्रोव वॉज लेस्ड विद स्नो. तो हेमलॉक दरख्त का झुंड है, कॉनिफर ट्रीज जो हैं वो भरे हुए थे उससे, स्नो से. द मैडोज वॉज स्मूथ एंड वाइट. जो मैडो है, जो सिलसिला है, ग्रीन चरागा जिसको कहते हैं, वो स्मूथ है और वाइट है. एंड द गॉर्ज वॉज स्पार्कलिंग विद आइस विद आइस. तो जो गॉर्ज स्टूडेंट्स वो कहते हैं घाटी को जो इससे दरख्तों से गिरी होती है उसको कहते हैं, तो वो भी चमक रही है बर्फ से. इट वॉज सो ब्यूटिफुल एंड पीसफुल दैट आई लाफ्ड आउट लाउड. ये बहुत अच्छा था और मुझे खुशी महसूस हुई इसके देखकर, मैं ऊंची से हंसा. आई गेस आई लाफ बिकॉज माई फर्स्ट स्नो स्टॉर्म वॉज ओवर. तो ये मेरी पहली जो समंदरी तूफान वाला तजर्बा था वे चला गया. एंड इट हैड नॉट बीन सो टेरेबल आफ्टर ऑल. तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल या खौफनाक नहीं था. Then I shouted, तब मैं चिल्लाया. I did it, मैंने कर दिखाया. My voice never got very far. मेरी आवाज़ बहुत आगे ना गई. It was hushed by the tons of snow. तो ये कुछ देर खामोश रही जो स्नो की वजह से. आई लुक फॉर साइन फ्रॉम द बैरन वेसल. तो मैंने जो बैरन वेसल है, बर्ड ऑफ प्रे है ये, तो उसको मैंने देखा और मैंने देखा कि ये जो है इसके साइंस, उसके निशानात देखे. हिज फुट स्टेप्स वर ऑल ओवर द बोल्डर्स. तो उसके जो कदमों के निशान थे वो मुझे वहाँ पर नज़र आए. ऑल्सो स्लाइड्स वेयर ही हैड प्लेड. और वहाँ पर जो स्लाइड्स थी या उस पर मैंने उनको देखा. He must have been up for hours. वो कुछ देर के लिए ऊपर गया, enjoying the new snow. नई snow जो आया है उसको enjoy कर रहा था. Inspired by his fun, तो मैं उसके इस fun से मज़े लेने से बड़ा मुतासर हुआ. I poked my head into my tree. तो मैंने अपने दरख्त के अंदर ही अपना सर किया. And whistle, मैंने जो है वो एक विसल किया. Frightful, my trained falcon. तो मैंने कहा कि ये खौफजदा है कौन. फाल्कन इज ऑल्सो अ बर्ड. एंड फ्लू टू माई फिस्ट. जो ये वहाँ से उड़ा मेरी मुट्ठी के आगे से. एंड वी जम्प्ड एंड स्लिड डाउन. हमने जंप किया और वहाँ पर हमने फिसलना शुरू किया. द माउंटेन मेकिंग द बिग होल्स एंड द ट्रेंचेस एज वी वेंट. तो वहाँ से हम नीचे की तरफ आए जो बिग होल्स थे और जहाँ पे खुदाई की हमने जो माउंटेन रेंजेस थी, ट्रेंचेस कहते हैं द डिच जिसको हम डिच करके या नीचे की तरफ जाए गए. इट वॉज गुड टू बी विसलिंग. ये बहुत मज़ा आया कि विसल करने का. एंड केयर फ्री अगेन. और खुशी से आगे बढ़ने का. बिकॉज आई वॉज श्योर स्केयर्ड बाय द कमिंग ऑफ दैट स्टॉर्म. तो अब मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा था तो क्योंकि इस वजह से अब मैं केयर फ्री हो गया हूँ. अब मैं जो है वो अब ख्याल कर रहा हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ. आई हैड बिन वर्किंग सिंस. मैं काम कर रहा था सिंस मे लर्निंग हाउ टू मेक अ फायर विद अ फ्लिंट.
कि किस तरह से आग जलाई जा सकती है। तो एंड स्टील, फ्लिंट एंड स्टील जो है ये कह सकते हैं कि एक जो है वो देयर वर द मटेरियल्स। फाइंडिंग व्हाट प्लांट्स आई कुड ईट, तो वहाँ पर मैं सोच रहा था कि किसके साथ मैं प्लांट्स जो हैं वो कौन से खाने के लिए अच्छे हैं। हाउ टू ट्रैप द एनिमल्स एंड कैच द फिश, तो किस तरह से फिश को जो है वो ट्रैप किया जाए। ऑल दिस सो दैट व्हेन द कर्टन्स ऑफ द ब्लिजर्ड स्ट्रक द कैटस्किल, जो समुद्री तूफान है उसने पहाड़ों को छूना शुरू किया। आई कुड क्रॉल इनसाइड माय ट्री एंड बी कंफर्टेबली वार्म एंड हैव अ प्लेंटी टू ईट, तो जो मैं दोबारा से अपने ट्री की तरफ गया और जो कुछ खाने का था वो अंदर ही मैंने खाया। ड्यूरिंग द समर आई फॉल आई हैड थॉट अबाउट द कमिंग ऑफ द विंटर, तो समर के दौरान मैंने विंटर का सोचा। हाउएवर दैट थर्ड डे ऑफ दिसंबर व्हेन द स्काई ब्लैकेंड, जो दिसंबर के तीसरे दिन में जब आसमान काला हो गया, द टेम्परेचर ड्रॉप, दर्जा हरारत नीचे आया, एंड द फर्स्ट फ्लेक्स स्विरल्ड अराउंड मी, जो फ्लेक्स थी जो स्नो के फ्लेक्स होते हैं वो नीचे की तरफ गिरने लगे। आई मस्ट एडमिट दैट आई वॉन्टेड टू रन बैक टू द न्यूयॉर्क, तो मुझे अब न्यूयॉर्क वापस जाना चाहिए। इवन द फर्स्ट नाइट दैट आई स्पेंड आउट इन द वुड व्हेन आई कुडंट गेट द फायर स्टार्टेड वॉज नॉट अ फ्राइटनिंग एज द स्नो स्टॉर्म दैट गैदर्ड बिहाइंड द गॉर्ज एंड द मशरूम अप ओवर माई माउंटेन, तो ये जो नाइट थी तो ये बहुत ज़्यादा कहता है कि उतनी ज़्यादा फ्राइटनिंग नहीं थी जितनी कि मैंने स्नो स्टॉर्म में पहले बर्दाश्त की थी उस घाटी के दौरान जो माउंटेन पर पाई जाती है। आई वाज स्मोकिंग द थ्री ट्राउट, तो मैं मछली को स्मोक कर रहा था उसको जो है वो प्रिजर्व के लिए। इट वाज द 9 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह के 9 बजे हैं। इट वाज द बिजी कीपिंग द फ्लेम्स लो सो दैट दे वुड नॉट लीप अप एंड बर्न द फिश, कि अब मैं फिश को बर्न कर रहा हूँ फॉर टू ईट। एंड आई वर्कड इट अकर टू मी एंड इट वॉज ऑफुली डार्क फॉर द आर ऑफ द मॉर्निंग, ये सुबह के वक़्त भी जो है वो डार्कनेस थी। द फ्राइटफुल वॉज द लीस्ट टू हर ट्री स्टब, तो ये बहुत जो है वो फ्राइटफुल था, खौफनाक था कि जो ट्री जो है वो मुसलसल इससे बंधा हुआ है जो उसका हाउस है। शी सीम्ड रेस्टलेस एंड पुल्ड एट हर tethers and then I realized that the forest was dead quiet. अब मुझे लगा कि ये forest जो है या जंगल ही है बिल्कुल खामोश और dead है। Even the woodpecker that had been टैपिंग अराउंड मी, तो वुडपैकर इज़ अ बर्ड, वुडपैकर जो है वो मुझे अब टैप कर रहा है, मुझे जो मुझे टैप करके बता रहा है। दैट मॉर्निंग वो वर साइलेंट, कि सुबह जो है वो सिंगिंग बर्ड है तो लेकिन वो कह रहा है कि सुबह खामोशी है। ओके, द स्क्विरल वर नो वेयर टू बी सीन, तो स्क्विरल जो है वो गैलरी कहीं नहीं नजर आई। द जंकोस एंड द चैकडीज एंड द नचिसेस वर गॉन, ये सारे बर्ड्स के नाम हैं जो सिंगिंग बर्ड्स हैं। आई लुक टू सी दैट द बैरन वेसल वॉज डूइंग, तो मैं ये देखना चाहता था कि बैरन वेसल कहाँ है। ही वॉज नॉट अराउंड, आई लुकड अप, मैंने इधर उधर देखा वो कहीं नहीं था। फ्रॉम माई ट्री यू कैन सी द गॉर्ज बिहाइंड द मैडो, तो मैं जो है वो एक लार्ज रॉक में वहाँ पर जो मैडस चरागाहें थी वहाँ पर मैं उस घाटी में था। इन अ ट्री वाइट वाटर पोर बिटवीन द ब्लैक एंड बोल्डर्स एंड कैस्केड्स इनटू द वैली बिलो, तो इस वादी में ये वहाँ पर वाटरफॉल था जिसको कहते हैं आबशार जिसको कहते हैं और बोल्डर्स कहते हैं लार्ज रॉक को वहाँ पर मौजूद था। एंड द वाटर दैट द डे वाज डार्क एज अ रॉक, और वहाँ पर पानी था और डार्क था, रॉक जो थी वो बहुत डार्क थी। ओनली द साउंड टोल्ड मी इट वाज स्टिल फॉलिंग, तो आवाज़ से पता चला कि ये पानी गिर रहा है। अबव द डार्कनेस स्टूड अनदर डार्कनेस, डार्कनेस के ऊपर एक और डार्कनेस थी, गहराई के ऊपर और गहराई। द क्लाउड्स ऑफ विंटर, ये विंटर के क्लाउड्स थे, ब्लैक एंड फियरसम, दो खौफजदा हुए। एंड द लुक्ड एज वाइल्ड एज द विंड, तो ये विंड की तरह ही दिखने लगे। दैट वाज ब्रिंगिंग देम, आई वाज सिक, मैं परेशान था।
विद फ्राइड. खौफ से आई न्यू आई हैड एनफ फूड, मुझे लगा मेरे पास खाना है, बट नोइंग डिडंट हेल्प, लेकिन ये जानना हेल्प ना कर सका. इट वॉज स्केयर, मैं घबराया और खौफ ज़्यादा हुआ. आई स्टैम्प्ड आउट द फायर एंड पैक द फिश, तो मैंने आग बुझा दी, बंद की और मैंने अपनी फिश को पैक किया. आई ट्राई टू विसल फॉर फ्राइड फूड, मैंने कोशिश की कि जो है वो फ्राइडफुल सिचुएशन में मैं विसल करूं, बट कुडंट पर्स माय शेकिंग लिप्स टाइट एनफ टू गेट आउट एनीथिंग बट पफ. तो ये एक छोटा सा जो है वो साउंड उससे प्रोड्यूस हुआ, लेकिन मेरे लिप्स ने मुझे परमिशन ना दी. सो आई ग्रैब्ड हर बाय द हाइड स्ट्रैप्स दैट आर अटैच टू हर लेग्स, तो मैंने जो है वो ग्रैब किया और उसको स्ट्रैप किया अटैच टू आर जो कि टांगों के साथ जो है वो कवर था. एंड वी ड्रोव थ्रू द डियर स्किन डोर इन टू माई रूम इन द ट्री, तो मैं वहाँ से बाहर निकला जो डियर स्किन का डोर था उसमें से, और रूम उस रूम जो कि ट्री हाउस का रूम था उसमें से मैं बाहर आ गया. तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है जिसमें स्टूडेंट्स एक बच्चे ने एक्सपीरियंस किया है एक स्नो स्टॉर्म को और एक स्वियर वेदर को, और उसने एक ट्री हाउस में रहने का भी तजर्बा किया है. सो दैट वॉज ऑल फॉर लेसन नंबर 11. आई हैव डन द एक्सप्लेनेशन एंड द डिफिकल्ट words. So take care. Bye bye.